हमने पढ़ा था करंट फ्लो। करंट फ्लो किस किस वजह से होता है, किस किस रीजन से होता है सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो? वन इज इलेक्ट्रॉन करंट एंड अनदर इज होल करंट। इलेक्ट्रॉन करंट कहाँ पे होती है? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। एंड होल करंट कहाँ पे होती है? वैलेंस बैंड में होल्स के शिफ्ट होने से, राइट? सो टोटल करंट, टोटल करंट इन द सेमी कंडक्टर इज आई ई प्लस आई एच, राइट? आई ई प्लस आई एच टोटल करंट होती है। करंट का हमने एक रिलेशन पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, व्हाट वाज दैट? आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, याद है? N is number density of electron, E charge on electron, A area, and VD is drift velocity. तो accordingly यहाँ पे electron current क्या हो जाएगी? Number density of electron, charge on electron, area of conductor and velocity of electron. Right? Similarly hole current क्या हो जाएगी? Number density of holes, charge on hole, same way जो इलेक्ट्रॉन पे होता है बट पॉजिटिव होता है, एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ होल, राइट? बट करंट इज व्हाट? पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, सो दैट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज, अब इसमें ई और ए तो कॉमन हो गए, व्हाट इज लेफ्ट? एनी वी ई प्लस एन एच वी एच, राइट? अब पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक रिलेशन होता है, व्हाट इज दैट? पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक रिलेशन होता है, क्या होता है? गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, E is equal to minus dV by dr, याद आया? नहीं, माइनस साइन होता है डायरेक्शन के लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं E is equal to V by L, ऐसा हम कैपेसिटर में भी करते थे, V by D, राइट? तो V is equal to कितना हो गया? E into L, तो V is equal to हो गए E into L, एंड रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A, रो इज व्हाट? रेजिस्टिविटी, तो रो L अपॉन A, तो A ऊपर आ गया, राइट? एंड दिस इज व्हाट? E A any V E प्लस N H VH, A cancel, L cancel, 1 by rho is what? Conductivity, and the conductivity will be what? Sigma, so this is what? Conductivity, so sigma is equal to 1 by rho gaya, E उधर ले जाते हैं, तो E इंटू एन ई वी ई बाई ई प्लस एन एच इंटू वी एच बाई ई, राइट? सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट? कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर बाय दिस डेरिवेशन, व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट? कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, so that is what? Conductivity of semiconductor, so that is a relation. अब VE upon E भी कुछ होता है, क्या होता है? VE upon E भी कुछ होता है, that is what? Mobility,
दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी. मोबिलिटी याद है ना, लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होती है और मोबिलिटी ऑफ होल बहुत कम होती है. तो वी कैन रिप्लेस दिस विद ई एन ई म्यू ई, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एन एच म्यू एच. सो दैट इज वॉट द रिलेशन वी फाइंड फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर. ओके, एन ई वॉट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू इज वॉट मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन एच डेंसिटी ऑफ होल्स. ए डेंसिटी ऑफ होल्स मीन्स नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, एंड म्यू एच इज मोबिलिटी ऑफ होल्स. इफ वी टॉक अबाउट इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, कुछ याद है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर? एन ई इज इक्वल टू एन एच इज इक्वल टू एन आई, ठीक है. तो इंट्रिंसिक के लिए कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? एन ई एन एच सेम हो गए, दैट कैन बी रिप्लेस विद एन आई. तो कंडक्टिविटी इज ई इन टू एन आई म्यू ई प्लस म्यू एच, राइट. ये कंडक्टिविटी का रिलेशन नोट्स में भी दिया हुआ है, तो नोट कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे एज इट इज ऐसे ही दिया हुआ है. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें तो बोलो. हाँ, म्यू इज मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल. मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स. तो अब यहां से देखो, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मच ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल. तो एन टाइप सेमी कंडक्टर है तो एन ही ज्यादा है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी. पी टाइप सेमी कंडक्टर है तो मोबिलिटी बहुत लो है होल्स की, तो अकॉर्डिंगली कंडक्टिविटी कम हो जाती है. दैट इज वाई वी प्रिफर एन टाइप ओवर पी टाइप वेयर एवर नीडेड. देयर आर सर्टेन सिचुएशन जहां पे हम प्रेफर कर ही नहीं सकते, राइट. वो अभी हमको पढ़ना है. तो दिस इज ऑल क्लियर, बिकॉज एन टाइप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से बहुत ज्यादा होती है. सो दैट्स वाई एन टाइप इज प्रेफर्ड ओवर पी टाइप, राइट. नाउ अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, ऐसा कुछ वो नहीं है. और ये चैप्टर ऐसा है जिसमें हमेशा हम फुल मार्क्स ले सकते हैं, मतलब जिसका क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व होगा, ठीक है. क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल कुछ होता नहीं है, प्योर थ्योरी है, ठीक है. एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन तुमको आना चाहिए. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज पी एन जंक्शन. पी एन जंक्शन से एक डिवाइस बनती है और इस डिवाइस को हम डायोड बोलते हैं. पीएन जंक्शन से एक डिवाइस बनती है एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड डायोड. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन. पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, हमने सेमीकंडक्टर में पढ़ा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर. ना तो अकेला पी टाइप किसी काम का है और ना ही अकेला एन टाइप किसी काम का है. पी और एन के कॉम्बिनेशन से डिवाइसेस बनती हैं, वो डिवाइसेस हमारे काम आती है. तो हमको एक साथ पी भी चाहिए होता है और एन भी चाहिए होता है. अब पी एन जंक्शन हम कैसे बना सकते हैं? देयर आर थ्री डिफरेंट मेथड्स. वन, हमने एक पी टाइप चिप लिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया, वो एक चिप लिया. उसका 50% पार्ट हमने पेंटावेलेंट डॉप किया, तो क्या होगा, उतना पोर्शन एन टाइप बन जाएगा, ठीक है. पी टाइप पूरा चिप लिया, उसका 50% हमने क्या कर दिया, पेंटावेलेंट डोपिंग कर दिया, तो आधा पी हो गया और आधा एन हो गया. दूसरा तरीका, एन टाइप लेके ट्राईवेलेंट डिप कर दो,
ठीक है। दूसरा तरीका, एन टाइप चिप्स लो और इसका 50% ट्राइवेलेंट डॉप कर दो। और डॉपिंग तो करने का तरीका वही है जो हम पी और एन टाइप में पढ़ रहे थे। एंड द थर्ड वे इज कुछ नहीं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो, इंट्रिंसिक लो, 50% ट्राइवेलेंट एंड 50% पेंटावेलेंट डॉप कर दो, तो आधा पी टाइप बन जाएगा और आधा एन टाइप, ठीक है। और चौथा तरीका, पी टाइप लो, एन टाइप लो, चिपका दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। इट शुड बी ऑन अ सिंगल चिप, सो नेवर थिंक ऑफ पी टाइप काटा, एन टाइप काटा और चिपका दिया। नहीं, इट शुड बी ऑन अ सिंगल चिप। वो इन तीन डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, तो कभी भी पी और एन को हम चिपकाते नहीं है। अब जैसे ही हम ये डिफरेंट डॉपिंग्स करते हैं, लाइक ये वाला डॉपिंग के पेंटावेलेंट कर दिया, ये ट्राइवेलेंट कर दिया, या ट्राई एंड पेंटा कर दिया, तो जैसे ही हम डॉपिंग करते हैं वैसे ही कुछ फिनोमेनाज होते हैं, करेक्ट। वो फिनोमेनाज क्या होते हैं, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, होल्स, और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, तो ये होल्स बहुत सारे मैं यहाँ बना रहा हूँ, है ना, ये बहुत सारे होल्स यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बीच बीच में कहीं इसमें होल और कहीं इसमें इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी कैरियर भी तो है, वो भी तो रहेंगे। नाउ अब यहां पे देखो, इस ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, एंड बिल्कुल वैसी जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते ही हैं, तो फर्स्ट टेंडेंसी इनकी क्या होगी, एक दूसरे को मारने की, ठीक है। तो नेगेटिव विल गो हेयर, ऐसे बोल दो, या पॉजिटिव विल गो हेयर, ऐसे बोल दो, बट दोनों खत्म। व्हेन नेगेटिव गेट कंबाइंड विद द पॉजिटिव तो क्या होगा, दोनों खत्म, तो वो भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, ये भी खत्म, ये भी खत्म, राइट, ओके, ना नेगेटिव चार्ज ना पॉजिटिव चार्ज, बट इन द प्रोसेस क्या हो चुका, इधर से नेगेटिव चार्ज खत्म हो चुका। अगर किसी रीजन से नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो वहां क्या बचेगा, पॉजिटिव, एंड यहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, दिस इज कॉल्ड स्पेस चार्ज, यानी दैट स्पेस हैज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कैरियर नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा, नहीं, दैट हैज ए स्पेस विच हैज पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज स्पेस है और ये एक नेगेटिव चार्ज स्पेस है, एंड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, राइट। अब आता है नेक्स्ट लाइन, ये सेकेंड रो ऑफ वॉरियर्स है, वही इमेजिन करो, इंडिया पाकिस्तान बहुत मजा आता है सुनने में, तो ये सेकेंड रो ऑफ वॉरियर्स है, इनकी भी टेंडेंसी वही होगी, इधर से इधर जाने की, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब इनको अपोज करेगी, कैसे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगती है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो इट मींस मोशन विल नॉट बी सो स्मूथ जो पहले था, अब मोशन उतना स्मूथ नहीं होगा जितना पहले था। अब क्या होगा, जो हाई एनर्जी होंगे वो मूव कर जाएंगे और जो लो एनर्जी होंगे वो नहीं कर पाएंगे।
इट मीन्स द रेट रेट डिक्रीज हो जाएगी, जिस रेट से पहले इधर उधर हो रहे थे, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा इसका नाम क्या है, जिस रेट से पहले इधर उधर हो रहे थे अब उस रेट से नहीं होंगे, वो रेट कम हो जाएगी, राइट। नाउ कभी भी कोई ऑब्जेक्ट हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में मूव करता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एन में हाई डेंसिटी में थे, दे मूव टू पी रीजन, तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में गए, तो दैट इज व्हाट डिफ्यूजन। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन प्रोसेस, जो कि अब स्लो हो गया, ठीक है, फिर कुछ गायब हो जाएंगे, ठीक है, कुछ और गायब हो गए, से ये रो भी गई, राइट। अब नेक्स्ट रो आ जाएगी, तो ये विड्थ और इंक्रीज हो गई एंड चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा, विड्थ भी इंक्रीज हो जाएगी, चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा एंड साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो गई। अब जो नेक्स्ट रो है उसे और ज्यादा डिफिकल्टी होगी इधर उधर मूव करने में, तो डिफ्यूजन रेट और स्लो हो जाएगा, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती जाती है एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज होता जाता है, इज इट क्लियर, राइट। दैट इज वन ऑफ द प्रोसेस। नाउ अनदर प्रोसेस, हम उनको भूल रहे हैं जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, ठीक है। अब ये माइनॉरिटी कैरियर यहां पर और ये माइनॉरिटी कैरियर यहां पर, ये पॉजिटिव पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और नेगेटिव पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, तो अब ये मूव करना शुरू करेंगे। सो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है, मेजॉरिटी कैरियर का मूवमेंट स्लो होता है लेकिन माइनॉरिटी कैरियर का मूवमेंट बढ़ जाए, दैट प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, दैट इज व्हाट ड्रिफ्ट, फ्रॉम लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी, सो दैट इज ड्रिफ्ट। सो ड्रिफ्ट प्रोसेस इंक्रीज होता है, राइट। रिमाइंड करते हैं, शुरुआत में जंक्शन पे माजुए इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने फर्दर डिफ्यूजन को स्लो डाउन किया लेकिन साथ साथ ड्रिफ्ट को स्पीड अप किया, ग्रेजुअली डिफ्यूजन स्लो डाउन होता जाएगा, ड्रिफ्ट स्पीड अप होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, बट एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल्स रेट ऑफ ड्रिफ्ट, ऐसा भी तो टाइम होगा, व्हाट इज हैपनिंग, डिफ्यूजन कम होता जा रहा है, ड्रिफ्ट बढ़ता जा रहा है, एक टाइम आएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल्स रेट ऑफ ड्रिफ्ट, मींस जितने इलेक्ट्रॉन एन से पी में गए थे थ्रू डिफ्यूजन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी से एन में वापस आ गए थ्रू ड्रिफ्ट एंड सिस्टम बिकम स्टेबल, और सिस्टम स्टेबल हो गया, राइट। समझ में आया, कुछ पूछना है किसी को, नहीं। अब ये सिस्टम स्टेबल हो गया एंड व्हेन द सिस्टम बिकम स्टेबल, तो दो जोन से हमारे पास तीन जोन क्रिएट हो गए, एक पी रीजन जिसमें मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन रीजन, एंड द थर्ड वन इज दिस रीजन जिसमें कुछ भी नहीं है, ना होल्स है ना इलेक्ट्रॉन्स है, व्हाट वी से द रीजन विच इज डिप्लीटेड फ्रॉम द चार्ज कैरियर, द रीजन विच इज डिप्लीटेड फ्रॉम द चार्ज कैरियर एंड दैट कैन बी कॉल्ड एज डिप्लीशन रीजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लीशन रीजन, राइट।
ठीक है। अब ये सिस्टम फॉर्म हो गया, यहाँ पे एक चार्ज है, स्पेस चार्ज कौन सा पॉजिटिव, यहाँ पे एक स्पेस चार्ज है नेगेटिव। स्टेबल नेवर मीन्स कि मूवमेंट नहीं है, स्टेबल मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ मूवमेंट है फ्रॉम बोथ साइड, यानी जितने इलेक्ट्रॉन एन से पी में गए थ्रू डिफ्यूजन उतने इलेक्ट्रॉन पी से एन में वापस चले गए थ्रू ड्रिफ्ट, तो सिस्टम स्टेबल हो गया राइट। अब चार्ज नहीं बढ़ रहा है, अब चार्ज नहीं बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल हो गई, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो अभी पढ़ा था ना इजिकल टू वी बाई डी, वी इजिकल टू ई इंटू डी, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल भी क्रिएट हो गया जिसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, और इसको हम पोटेंशियल बैरियर का नाम भी देते हैं राइट। और इस पोटेंशियल बैरियर को हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, ये जंक्शन हो गया तो ऐसे हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये एंड देन ये एंड दिस लाइक दिस, और ये बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसको हम बैरियर हाइट के नाम से भी जानते हैं, बैरियर हाइट। हाइट डजंट मीन कि आप ऐसे इंच डेप से नाप रहे हो, हाइट मीन्स पोटेंशियल, जितना ज्यादा तो बैरियर हाइट उतनी ज्यादा, पोटेंशियल जितना ज्यादा बैरियर हाइट उतनी ज्यादा राइट। होप सो ये समझ में आ गया, फॉर्मेशन ऑफ क्या बैरियर, ये पोटेंशियल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे पोटेंशियल हाई होगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल लो होगा, तो ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है। ये आगे और इधर पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि यहाँ पे तो कुछ क्रिएट हुआ नहीं ना, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो हो गया राइट। कुछ पूछना है किसी को तो नहीं, चलो एक फिगर देखते हैं, ये था प्रोसेस, इसको देख के जरा समझो, ये इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट हुआ, ये होल इधर ड्रिफ्ट हुआ और होल इधर डिफ्यूज हुआ ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट भी हैं, होल्स के मूवमेंट में, इलेक्ट्रॉन में भी डिफ्यूजन है, होल्स में भी डिफ्यूजन है राइट। डिफ्यूजन में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डिफ्यूजन में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो फिगर है तुम्हें समझ, बोलो, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, तो दिस इज डिफ्यूजन करंट, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट, दिस इज लाइक दिस, दिस इज ड्रिफ्ट करंट राइट। आगे हम पढ़ेंगे, अभी मैं वैसे ही बता रहा हूं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जब करंट पी से एन की तरफ जाता है तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट, एंड जब एन से बी की तरफ जाता है तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स करंट, तो दिस इज रिवर्स करंट। सो हम इसको दो डिफरेंट नाम से बुला सकते हैं, द फॉरवर्ड करंट इज नथिंग दैट इज डिफ्यूजन करंट, या हम कह सकते हैं फॉरवर्ड करंट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, एंड रिवर्स करंट इज नथिंग दैट इज ड्रिफ्ट करंट, या रिवर्स करंट इज बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्या क्या हुआ राइट। तो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों के साथ होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है और होल्स के साथ भी होता है राइट। इज इट क्लियर, नाउ अब ये जो पीएन जंक्शन बना, ये जो पीएन जंक्शन बना इसको हम जंक्शन डायोड के नाम से भी जानते हैं, जंक्शन डायोड
इस पीएन जंक्शन में हम क्या करते हैं, ये तो चिप हो गया राइट, और ये अकॉर्डिंगली तीन डिफरेंट रीजन में डिवाइड भी हो गया। यहां पे हम एक मेटलिक वायर एम्बेड करते हैं, मेटलिक वायर किस लिए, फॉर द कनेक्शन पर्पस, सर्किट में यूज करने के लिए। तो एक मेटलिक वायर यहां एम्बेड किया, एक मेटलिक वायर यहां एम्बेड किया, सो दिस इज व्हाट नाउ इट बिकम व्हाट, जंक्शन डायोड। इसका जो सिंबल हम यूज करते हैं वो सिंबल ऐसे होता है, राइट ये इस सिंबल का भी मीनिंग है, राइट, व्हेन वी मेक एन एरो व्हाट वी इंडिकेट कि इस डायरेक्शन में फ्लो है, जब हम एरो बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, इस डायरेक्शन में फ्लो है, तो ये एरो इंडिकेट करता है कि करंट का डायरेक्शन ये है, किधर से किधर, पी टू एन, और ये जब हम बनाते हैं ऐसे तो मींस इधर से इधर करंट ब्लॉक्ड है, ओके, देयर इज ब्लॉकेज ऑफ करंट फ्रॉम दिस टू दिस, सो करंट कैन फ्लो फ्रॉम पी टू एन बट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम एन टू पी, सो दैट्स व्हाई डायोड बिकम यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, इट इज अनलाइक कंडक्टर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड द सेमी कंडक्टर। एक कंडक्टर है, आप पॉजिटिव इधर लगाओ नेगेटिव इधर लगाओ फ्लो हो जाएगा, इधर नेगेटिव कर दो इधर पॉजिटिव कर दो तो भी करंट फ्लो हो जाएगा, लेकिन डायोड में अगर आपने डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो करंट नहीं फ्लो होगा, सो दैट बिकम यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, राइट, ठीक है। हाँ मतलब ये थोड़ा सा गलत है टर्म्स कहना कि रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है, एक्चुअल में जो करंट फ्लो होता है दैट इज नेग्लिजिबल इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन करंट, वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो इट इज मोर ओवर ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस जिसमें करंट का फ्लो होता है फ्रॉम पी टू एन, एन टू पी करंट का फ्लो जो होता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स करंट, वो इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ये मान के चल सकते हैं कि करंट का फ्लो सिर्फ पी टू एन ही है, राइट। हाँ डिफ्यूजन करंट, फॉरवर्ड करंट इज डिफ्यूजन करंट एंड रिवर्स करंट इज ड्रिफ्ट करंट, राइट। अब आता है वर्ड, नए नए वर्ड है इसमें, बायसिंग, इंग्लिश में देखेंगे तो बहुत क्या बोलते हैं, बायस्ड होना, कुछ अलग ही मीनिंग है। यहां पे बायसिंग का मतलब होता है टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, बायसिंग मतलब टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेमीकंडक्टर। तो बायसिंग में दो टाइप की बायसिंग होती है, वन इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड अनदर इज रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग मीन्स पॉजिटिव ऑफ सेल विद पी, तो अंडरस्टूड नेगेटिव ऑफ सेल कहां जाएगा, एन के साथ। एंड रिवर्स में क्या होता है, पॉजिटिव ऑफ सेल विद एन, पॉजिटिव ऑफ सेल विद एन, सो दैट इज व्हाट रिवर्स बायसिंग, क्लियर। अब हमको देखना है फॉरवर्ड बायसिंग में सेमीकंडक्टर डायोड कैसे बिहेव करता है और रिवर्स बायसिंग में डायोड कैसे बिहेव करता है, राइट। सो नाउ लेट्स वर्क ऑन फॉरवर्ड बायसिंग फर्स्ट। सिंबल के टर्म्स में देखें तो ये ऐसे हमने बैटरी कनेक्ट की, ठीक है, वेरिएबल बैटरी लगा दी, करंट वोल्टेज नापनी हो तो वोल्टमीटर और एमीटर लगा दिया, वोल्टमीटर कहाँ लगाएंगे, इसके अक्रॉस पैरेलल में, और एमीटर कहाँ लगाएंगे, सीरीज में, ये सब आप लोगों को पता है। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, राइट, right?
टी एन, ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव। इधर से बैटरी से देखो, ये एंड पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहां पर एक पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बैरियर वाली फील्ड बोल रहे हैं हम, ई बी बोल देते हैं, ई बी मान लेते हैं। अच्छा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी कुछ फील्ड लगाएगा, कुछ लगाएगा ना, कितनी, जो भी पोटेंशियल होगा उस हिसाब से। तो यहां पर एक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, ये मान लेते हैं ई नॉट, दैट इज अप्लाइड फील्ड। ये ई नॉट डिपेंड करेगी ये पोटेंशियल कितना है, जितना पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे ई नॉट बढ़ता जाएगा, राइट। अब आओ, वो जो बेचारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके साथ क्या हो रहा है सोचो। ये बेचारा एक होल और ये इलेक्ट्रॉन, ई बी इसको बोलती है इधर जा, और ई बी इसको बोलती है इधर जा, यानी जो फील्ड बैरियर की वजह से, वो तो इनको बोलती है दूर दूर होने के लिए, और जो फील्ड हमने अप्लाई की वो क्या बोलती है, पास पास आने के लिए। ये वाली फील्ड बोलती है तो इसको क्रॉस कर और उधर पहुंच, राइट। क्यों, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑन द पॉजिटिव चार्ज, तो ये फील्ड जो हमने अप्लाई की वो इधर को, तो इसकी फोर्स इधर हो जाएगी, और जो बैरियर की फील्ड थी उसकी फोर्स इधर को हो जाएगी, ठीक है। तो नाउ देयर इज अ फाइट बिटवीन द टू फील्ड्स। अगर ई बी ज्यादा है तो नहीं होगा, और ई नॉट ज्यादा है तो हो जाएगा। बट इन एनी केस, अगर हम थोड़ा सा भी ई नॉट लगाएं, चलो मान लो ई बी से ज्यादा नहीं भी है, तो भी कुछ तो सपोर्ट करेगा उधर खिसकने के लिए, ठीक है। वेरी सिमिलर लाइक दैट, एक मोटा सा आदमी लो और एक पतला सा केतन जैसा कोई हो, और वो उसको धक्का दे तो कुछ तो करेगा, ठीक है, कुछ तो करेगा। तो जैसे ही ये फील्ड हम अप्लाई करते हैं, तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शिफ्ट होते हैं। ये वाली तो पहले से ही थी ना, ई नॉट है, देख, ठीक है। तो अब ये वाली तो पहले से थी ना, जो नई आई वो कुछ तो पुश करेगी, तो कुछ पुश करेगी तो बैरियर विड्थ का क्या होगा, कम हो जाएगी, बैरियर विड्थ कम हो जाएगी, और कुछ जो थोड़े हाई एनर्जी होल्स और इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव भी कर जाएंगे, बट वो नेग्लिजिबल होगा, कुछ थोड़े से, बहुत नेग्लिजिबल, जो हाई एनर्जी होंगे वो उससे सपोर्ट लेके कर भी जाएंगे, बट हम ये मान के चलते हैं कि नहीं कर रहे। तो कब तक मूवमेंट नहीं होगा, जब तक ये उससे ज्यादा नहीं होगा, जब तक ये उससे ज्यादा नहीं होगा, राइट। तो जैसे ही हमने अप्लाइड फील्ड बढ़ाई और ये बैरियर फील्ड को ओवरकम कर गई, तो इजीली फ्लो या स्मूथ फ्लो ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स या स्मूथ डिफ्यूजन विल टेक प्लेस एंड द फॉरवर्ड करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, राइट। प्रोसेस समझ में आ गया, व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, द बैरियर विड्थ इज डिक्रीजेस। ई भी बड़ा होगा तो भी कम तो होगी, लेकिन उतना स्मूथ फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली धीरे 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 धीरे, पहले नेग्लिजिबल करंट होगा, लेकिन जैसे ही बैरियर ओवरकम हुआ, एक करंट शूट अप करेगा, ठीक है, वेरी मच लाइक ओम्स लॉ, एंड दैट विल बी फॉरवर्ड करंट, ठीक है, वो फॉरवर्ड करंट होगा। अब हम फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स इज व्हाट, not to define the character of someone, to draw a graph between V and I, that's called VI characteristics, yani humne ye kitna volt apply kiya aur accordingly kitna current flow hua. Semiconductor devices mein bahut zyada current nahi hota, milli amperes mein hota hai, theek hai, small current hota hai milli amperes mein, aisa nahi hai ki 5-10 ampere current flow ho gaya, बहुत कम करंट होता है,
ठीक है, तो इसको हम फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं जब फॉरवर्ड बायसिंग में होता है। ठीक है, ये मैं उसमें दिखाता हूँ फिगर्स में। अब ये देखो, ये नॉर्मल कंडीशन में था विड्थ। ठीक है, जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है ये? फॉरवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड विद पी एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड विद एल। तो ये क्या हो गया, बैटरी विड्थ स्क्वीज हो गई, विड्थ स्क्वीज होगी। अब यहाँ पे देखो, 1, 2, 3, व्हाट इज दैट? बैरियर हाइट डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हम अप्लाइड फील्ड बढ़ाते जाएंगे, बैरियर हाइट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, तो बैरियर हाइट मतलब पोटेंशियल। तो ये विड्थ कम होती जाएगी और साथ साथ बैरियर हाइट भी कम होती जाएगी। बैरियर हाइट कम होने का मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस विल बिकम ईजियर, डिफ्यूजन प्रोसेस थोड़ा ईजियर हो जाएगा, राइट? एंड ये है करेक्टरिस्टिक्स। ओके, लुक, ये फॉरवर्ड बायसिंग, ये हमने वोल्ट मीटर लगाया एक, ये वोल्ट मीटर, ये एमीटर, कौन सा एमीटर है? मिली एमीटर। ये बैटरी हमने लगाई, एरो कब लगाते हैं? वेरिएबल बैटरी। तो हम ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये फॉरवर्ड बायसिंग है, ये रिवर्स बायसिंग है। तो अभी फॉरवर्ड वाला देखो, राइट? तो यहाँ पर ग्राफ को देखो, ये ग्राफ अप टू 0.6 दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं हो रहा। इनफैक्ट दिस बैरियर हाइट इज 0.7 अप्रॉक्सीमेटली। तो जैसे ही हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 0.7 क्रॉस करते है, देखो करंट कैसे शूट अप कर गया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, व्हेन द बैरियर इज ओवरकम द करंट शूट अप। एंड दिस ग्राफ इज नोन एज फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स। सो जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, ड्रॉ द फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जंक्शन डायोड, सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ये ग्राफ। मैंने दोनों ड्रॉ किए हुए, फॉरवर्ड रिवर्स। अगर तुमसे फॉरवर्ड पूछा तो फॉरवर्ड वाला ड्रॉ करोगे, या रिवर्स पूछा तो रिवर्स ड्रॉ करोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करोगे जो मैंने बोला है। क्या बोला? कि जब हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं, ठीक है, एक टाइम पे बैरियर ओवरकम होता है, तब तक करंट नेग्लिजिबल होगा, एंड वंस द बैरियर इज ओवरकम द करंट विल फ्लो थ्रू द अकॉर्डिंग एज द सेमी, मतलब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, राइट? फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक से हम क्या ड्रॉ करते हैं, फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक से हम क्या ड्रॉ करते हैं, यानी हमें क्या मिलता है? फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक से हमें वो मिलता है रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, राइट? ये ठीक है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस क्या होता है? पोटेंशियल पर यूनिट करंट। तो हम ग्राफ एक्सपेरिमेंट किया हम लोग लैब में, वैसे तो आजकल ऑनलाइन की वजह से कुछ हो नहीं रहा था, फिर भी कुछ तो किया होगा ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट में, उसमें वो वोल्टेज करंट ग्राफ ड्रॉ किया होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये ऐसे ले लिया, ये क्या है, चेंज इन वोल्टेज, और ऐसे आ गया, ये क्या हुआ, चेंज इन करंट, एंड दिस इज व्हाट, चेंज इन वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। बट ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है ना, पहले तो बहुत ज़्यादा है, पहले तो हम पोटेंशियल दे रहे हैं तो भी करंट नेग्लिजिबल है, तो पहले रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बाद में रेजिस्टेंस कम है। तो हम इस रेजिस्टेंस को डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस आप कम कैलकुलेट करते हैं जब रेजिस्टेंस चेंज हो रहा होता है, जब रेजिस्टेंस चेंज हो रहा होता है तो हम डायनामिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, राइट?
तो यहाँ पे रेजिस्टेंस स्टैटिक नहीं होता, दैट इज़ व्हाट डायनामिक रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड बायसिंग समझ में आ गई, फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक समझ में आ गई, डायनामिक रेजिस्टेंस समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं रिवर्स, अभी ये सब बताऊंगा। हाँ एप्लीकेशंस, अभी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे कब हम फॉरवर्ड बायस यूज़ करते हैं, कब हम रिवर्स बायस यूज़ करते हैं, वो सब उन एप्लीकेशंस में आएगा, राइट। कुछ पर्टिकुलर अप्लाइंसेस हैं जहाँ हम फॉरवर्ड बायसिंग यूज़ करते हैं। वत्सल कुछ प्रॉब्लम हो रही नहीं? ठीक है, कुछ है तो बैठ जा आराम से ऑफिस में। नहीं राइट। नाउ अब थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ रिवर्स बायसिंग में। ये हमारा ओरिजिनल सिस्टम था, ये बैरियर फील्ड थी। यहाँ पर रिवर्स बायसिंग में हमने ये नेगेटिव लगाया, ये पॉजिटिव लगाया। रिवर्स बायसिंग में P नेगेटिव से कनेक्ट होगा और N पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। अब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? N टू P, राइट। तो ये क्या करेगा? ओवर अपोज करेगा, राइट। ओवर अपोज करेगा तो बैरियर विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, अपोज करेगा ना। भाई ये होल था, ये इलेक्ट्रॉन था, ये पहले फोर्स थी, ये और बढ़ा देगा फोर्स को। तो और इधर तो बैरियर विड्थ इंक्रीज, बैरियर हाइट भी इंक्रीज, बैरियर हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर होगा? नहीं होगा, राइट। मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर नहीं होगा। बट हम एक चीज भूल रहे हैं, करंट सिर्फ एक नहीं है, दो हैं, एक डिफ्यूजन और एक ड्रिफ्ट। तो ये डिफ्यूजन को अपोज करेगा, ठीक है। तो होगा क्या, जो डिफ्यूजन है वो डिक्रीज होगा और ड्रिफ्ट इंक्रीज होगा। एंड ड्रिफ्ट करंट कौन सा है? रिवर्स करंट। डिफ्यूजन करंट कौन सा है? फॉरवर्ड करंट। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होना चाहिए था? डिफ्यूजन इंक्रीज एंड ड्रिफ्ट डिक्रीज। जो पहले स्टेबल था सिस्टम, इक्वल डिफ्यूजन इक्वल ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट इक्वल था, अब उसमें गैप क्रिएट हो गया। तो यहां पे भी एक गैप क्रिएट हो गया, डिफ्यूजन रेट कम हो गया, ड्रिफ्ट रेट ज्यादा हो गया। तो एक रिवर्स करंट फ्लो होगा, एक रिवर्स करंट फ्लो होगा, लेकिन वो रिवर्स करंट बहुत कम होगा। था लेकिन मैंने बोला था करंट होता है नेग्लिजिबल होता है, ओके। एक रिवर्स करंट फ्लो होगा विच इज नेग्लिजिबल। एंड व्हाई इट इज नेग्लिजिबल? क्योंकि ये जो रिवर्स करंट है ये माइनॉरिटी कैरियर की वजह से है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। माइनॉरिटी कैरियर मतलब बहुत कम क्वांटिटी में चार्ज कैरियर, क्योंकि चार्ज कैरियर की क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है। आपके पास 10 रुपए हैं तो 100 रुपए खर्च कर ही नहीं सकते, अनलेस क्रेडिट कार्ड हो। तो यहाँ क्रेडिट कार्ड जैसा सिस्टम नहीं है, जो है वो है। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही जा सकते हैं ना। ऑब्वियसली जो माइजॉरिटी कैरियर है वो तो बहुत हाई क्वांटिटी में है, और जो माइनॉरिटी कैरियर है वो बहुत लो क्वांटिटी में है। तो वो बहुत लो क्वांटिटी में है तो क्या होता है, रिवर्स करंट एक नेग्लिजिबल करंट होता है, राइट। फॉरवर्ड्स का अपोजिट। तो ये तो एक्सप्लेन करने में बहुत आसान है, जैसे फॉरवर्ड हो गया वैसे रिवर्स हो गया, राइट। इसकी फोटो देखते हैं, ये नेगेटिव पी से पॉजिटिव से, एंड ये बैरियर हाइट देखो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और विड्थ भी इंक्रीज हो गया। विड्थ भी इंक्रीज हो जाती है, बैरियर हाइट भी इंक्रीज हो जाती है। अब आता है करेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब इधर रिवर्स करंट में इसको आइडेंटिफाई करो, ये रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स है, ये रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स है। तो व्हाट इज हैपनिंग इन द रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स बताओ?
पहली चीज ये वोल्टेजेस देखो कितना छोटा छोटा है, फॉरवर्ड में वोल्टेज कितना है 0.2 0.4 और ये कितना बड़ा बड़ा वोल्टेज है 20 40 60 यानी बहुत हाई वोल्टेज दी, फिर भी उसके बाद करंट कितना इतना सा, और देखो ये मिली एम्पियर है और ये माइक्रो एम्पियर है, माइक्रो और मिली में फर्क कितना होता है पता है 10^-3, ठीक है, यानी ये करंट इससे 10^3 टाइम्स ज्यादा है 1000 टाइम्स। अब करंट कितना सा फ्लो हुआ इतना सा, और ये भी शुरुआत में बढ़ गया ऐसे है, देखो शुरुआत में बढ़ गया और फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गया। अच्छा ये कांस्टेंट क्यों हुआ, अरे जब थे ही 10 आप वोल्टेज बढ़ा के ज्यादा पहुंचा ही नहीं सकते। करंट में दो चीजें इन्वॉल्व होती है, एक रेट ऑफ ट्रांसफर एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन, यानी अब जितना है उससे ज्यादा तो हम ट्रांसफर कर ही नहीं सकते ना, हम पोटेंशियल बढ़ा के क्या बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ाते हैं, चार्ज कैरियर इंक्रीज थोड़ी करते हैं, हम क्या बढ़ाते हैं रेट ऑफ ट्रांसफर यानी फास्टर ट्रांसफर करते हैं। तो अब जितने हैं वो चले गए, शुरू में ही चले गए, अब बस उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकते, तो देन सेचुरेशन हो गया, सेचुरेशन हो गया तो करंट कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये वाली लाइन क्यों परेशान कर रही है, ये बहुत खतरनाक सी लाइन नहीं दिखाई दे रही एकदम से ठक के, मतलब ये तो करंट गया और अभी तो ये ग्राफ इतना ही है, मतलब वो इसको बड़ा करेंगे तो ये पता चलेगा और नीचे चला गया, ठीक है, कंप्यूटर से बाहर। ये क्या चीज है, ये है फेनोमेना ब्रेकडाउन फेनोमेना, दैट इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन फेनोमेना, और ये वोल्टेज देखो कितनी हाई है जब ये ब्रेकडाउन हो रहा है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ कितनी वोल्टेज है लगभग 90, लगभग 90, ठीक है। ब्रेकडाउन हमने एक पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैंने पिछली क्लास में भी बात की थी डायलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन, याद है डायलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो हम एक फील्ड लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज अप्लाई की तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, राइट अब सिस्टम में है क्या, एटम ही तो है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, ये हमने फील्ड लगाई, अब ये फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी ना, ठीक है, आप पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, एंड देन एक टाइम पे एनर्जी लेवल इतना हाई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का कि वो ऑर्बिट छोड़ के बाहर हो गया, और क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी बहुत क्लोज क्लोज होते हैं, तो ये एनर्जी इतना हाई हो जाता है कि बहुत लार्ज नंबर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते ही इलेक्ट्रॉन भी और होल पेयर क्रिएट हो गए, बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर, यानी सिर्फ एक चार्ज कैरियर नहीं जनरेट हुआ साथ, दो चार्ज कैरियर एक साथ जनरेट हो गए एक बॉन्ड ब्रेक होते ही, एंड उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं, तो ये भागते हुए दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और फिर उनको भी बाहर निकालते जाते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ सिचुएशन कॉल्ड एज एवलॉन्च, सुना है ना, कि ऊपर से कुछ गिरना शुरू हुआ वो साथ में और समेटता चला गया और समेटता चला गया, धीरे 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 बहुत बड़ा होता चला गया, तो यहाँ पे ये कुछ इलेक्ट्रॉन निकले बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने कुछ और इलेक्ट्रॉन को निकाला, फिर उन्होंने कुछ और इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो एकदम से जो क्वांटिटी थी विच आई वॉज यूजिंग वर्ड एज 10, दैट क्वांटिटी हैज इंक्रीज टू द थाउजेंड्स इंस्टेंटली, एंड दैट हैपन इंस्टेंटली, इसमें ये नहीं है कि अभी वो जाएगा खटखटाएगा वो बाहर आएगा, नहीं सब कुछ एकदम हो रहा है, तो इंस्टेंटली द नोक आउट द इलेक्ट्रॉन एंड देन क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैरियर कीप ऑन इंक्रीजिंग इंस्टेंटली, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैरियर होगा तो क्या होगा करंट बढ़ेगा, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन करंट, एंड दिस वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। टू ऑनर ए साइंटिस्ट
named as Jenner. We name it as Jenner voltage. So Jenner voltage is nothing, that is a breakdown voltage. ये breakdown voltage है, right? तो breakdown voltage पे क्या होता है? Current shoot up instantly to a very high level, right? अच्छा, जो हमने forward graph draw किया था यहाँ पे, ये एक ऐसी situation बनी थी. This is a knee kind of construction. So this is called as knee voltage. Knee voltage. So knee voltage is what? When the barrier is overcome. And breakdown या Jenner voltage is what? When breakdown is taking place. जब breakdown हो रहा है. ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने forward characteristics, reverse characteristics, forward process and reverse process सब कुछ बता दिया. Time कितना होने? 6-8. राइट, ठीक है. सो नाउ अब हमें एक चीज पता चली कि डायोड फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करता है और रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करता. करेक्ट. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड कैसे होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड. तो हमारे जो सिलेबस में है, दोस आर कॉल्ड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक यानी लाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक का कॉम्बिनेशन. ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में वी हैव एलईडी. एलईडी इज व्हाट? लाइट एमिटिंग डायोड. वी हैव फोटो डायोड एंड वी हैव सोलर सेल. तो ये तीन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है. ठीक है, क्लास खत्म होने तक हम जो पढ़ सकेंगे वो ठीक है, बाकी फिर थोड़ा सा बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर नया चैप्टर भी पढ़ेंगे. राइट, तो एलईडी, फोटो डायोड एंड सोलर सेल. सबसे पहले एलईडी. नाउ योर क्वेश्चन वाज दैट के यूज क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले एलईडी पढ़ते हैं. एलईडी मींस लाइट एमिटिंग डायोड. राइट, कैसे काम करता है पहले इसका बेसिक समझते हैं. सेमीकंडक्टर में बैंड्स हमने पढ़ा है, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड. जब एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है. वैलेंस बैंड में एनर्जी कम होती है, कंडक्शन बैंड में एनर्जी ज्यादा होती है. तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने में हमें एनर्जी देना पड़ता है. व्हाट इन रिवर्स प्रोसेस? अगर प्रोसेस रिवर्स हो जाए, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में चला जाए तो एनर्जी रिलीज होगी. तो ये प्रोसेस है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस जिसको हम यूज करते हैं एलईडी में. एनर्जी कितनी रिलीज होगी? कम से कम एनर्जी गैप के बराबर, कम से कम एनर्जी गैप के बराबर. तो हम एक ऐसा प्रोसेस कर तैयार कर दे जिसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जा रहा हो और हम एक ऐसा एनर्जी गैप डिफाइन कर दे जिससे जो फ्रीक्वेंसी हो वो लाइट की हो जाए. राइट, भाई ये एनर्जी एक फोटोन के फॉर्म में बाहर आएगी, एच न्यू. सुना है ना? तो इस एनर्जी के ऊपर ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी. अब वो फ्रीक्वेंसी रेड कलर की भी हो सकती है, ब्लू कलर की भी हो सकती है, येलो कलर की भी हो सकती है. ठीक है, किसी भी कलर की हो सकती है. तो एलईडी का कलर किस चीज फैक्टर पे डिपेंड करेगा? एनर्जी गैप पे. तो हमें रेड चाहिए तो रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो कम एनर्जी गैप चाहिए. हमें ब्लू लाइट चाहिए तो ज्यादा चाहिए. तो हमें एनर्जी गैप उस हिसाब से क्रिएट करने पड़ेंगे. वो हम कैसे करते हैं वो देखते हैं अभी. राइट, अब फॉरवर्ड प्रोसेस याद है? फॉरवर्ड प्रोसेस अब ये भी तो बताया था. होल इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, एन और ये पी. अब सोचो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये होल के साथ कंबाइंड होगा ना. इलेक्ट्रॉन का होल के साथ कंबाइन होना मींस व्हाट? कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड.
इलेक्ट्रॉन का होल के साथ कंबाइन होना, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाना। तो फॉरवर्ड प्रोसेस, फॉरवर्ड बायसिंग में जब करंट फ्लो होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए एलईडी को हम कौन से बायसिंग में यूज करेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग में। एलईडी के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो इस टाइप से यूज करते हैं। ये तो डायोड वाला सिंबल हो गया, ऐसे एक गोला सा बनाया और ऐसे ये लाइट निकलते हुए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एलईडी का सिंबल, और इसको हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग में। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स कौन सी होगी? फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स, राइट। एलईडीज दैट कैन एमिट रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इसको पढ़ो एक बार। व्हाट इज देयर बैंड गैप? कितना होना चाहिए? कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कम से कम इतना होना चाहिए। स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज फ्रॉम अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर, इसको हम 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? कुछ कंपाउंड्स यूज करते हैं, नॉट एज सिंपली जर्मेनियम और सिलिकॉन। लाइक व्हाट वी डू, गैलियम आर्सेनाइड एंड फॉस्फाइड, किसके लिए? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए। इसमें ये गैप एनर्जी अकॉर्डिंगली चेंज होती जाती है। ये गैप एनर्जी हो गई 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गैप एनर्जी कितनी हो गई 1.4। तो हम एक कॉम्बिनेशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। यानी इट्स नॉट जर्मेनियम या सिलिकॉन से आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा कि एनर्जी गैप उतना क्रिएट हो जाए जितना हमें चाहिए, राइट। एलईडी सिर्फ लाइट ही एमिट नहीं करती, इंफ्रारेड भी एमिट करती है। इंफ्रारेड, और हम सब लोगों ने देखी है इंफ्रारेड एलईडी, कोई बता सकते कहाँ? हाँ, रिमोट में आके जो एक बल्ब सा होता है, दैट इज एन इंफ्रारेड एलईडी। जब आप रिमोट का बटन दबाते हैं तो एलईडी से इंफ्रारेड मिलती है, वो उसके सेंसर पे। लाइक जैसे ये रिमोट है, तो मैं ये बटन दबाऊंगा, ये एलईडी है, ठीक है। देखो ये एलईडी है, इससे इंफ्रारेड निकलेगी और ये इसका सेंसर है। तो ये यहाँ जाके ऐसे सेंसर पे हिट करेगी, राइट, और अलग बटन से अलग फ्रीक्वेंसी की इंफ्रारेड निकलेगी। तो वो सेंसर सेंस करेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी की इंफ्रारेड है। अकॉर्डिंगली उस सेंसर को पता है कि जब ये फ्रीक्वेंसी की इंफ्रारेड आएगी तो मुझे ये काम करना है, और उस फ्रीक्वेंसी की आएगी तो मुझे ये काम करना है, ठीक है। सोचने में बहुत आसान लगता है, बट एवरी बटन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ बटन, लाइक कई बार हम दो बटन दबा के काम करते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बटन इज क्रिएटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके, राइट। तो होप सो समझ में आ गया होगा एलईडीज कैसे यूज करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग में। और आजकल तो हम सिर्फ एलईडीज ही यूज करते हैं हर जगह, बल्ब एलईडी, ये जो हमारा बोर्ड है ये भी एलईडी है, ठीक है। ये ट्यूबलाइट, ये सब कुछ एलईडी है। आजकल एवरीथिंग हैज बीन शिफ्टेड टू एलईडी। रीजन बिहाइंड दैट, लो ऑपरेशन वोल्टेज एंड लेस पावर। लार्ज वोल्टेज वेरिएशन को भी ये बियर कर पाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पे वोल्टेज रेंज देखोगे ना, तो आपको बहुत बड़ी वोल्टेज रेंज मिलेगी, ठीक है। और इसकी जगह अगर लट्टू वाला बल्ब लगा दो, वो लट्टू वाला बल्ब समझते हो, पीली पीली लाइट देते हैं पुराने जमाने वाला बल्ब, हाँ 100 वाट का, और ये कितने वाट की है? 10 वाट के। तो 100 वाट से ज़्यादा लाइट ये 10 वाट से मिल रही है। और दूसरी चीज, लट्टू वाला बल्ब हल्की सी वोल्टेज कम हुई तो ऐसे बुझ सा जाता है, लाइक अभी इसका दम निकल जाएगा, समथिंग लाइक दैट, राइट। आज इतने ही करते हैं, बाकी जो बचे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको ख़त्म करेंगे।